आज के पाठ का शीर्षक है जैन साहित्य। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप जैन साहित्य के विषय में समझ सकेंगे, अपभ्रंश साहित्य में जैन कवियों के योगदान से परिचित हो सकेंगे, भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में जैन साहित्य को समझ पाएंगे और काव्य रूपों के विकास में जैन रचनाकारों की महत्ता से परिचित हो सकेंगे। अपभ्रंश भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाने में जैन रचनाकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक जैन साहित्य का अविकल लेखन होता रहा। इतने लंबे समय तक निर्मित होने वाली साहित्य परंपरा का कुछ अंश ही आज तक सामने आ पाया है। धर्म और साहित्य का सफल संयोग जैन कवियों के यहाँ मिलता है। एक तरफ तो जैन साहित्य में धर्मोपदेशों की भरमार है, वहीं दूसरी तरफ साहित्य और काव्य रूपों की महत्वपूर्ण विकास परंपरा भी है। ऐसी स्थिति में जैन साहित्य का महत्व जहाँ कथानक और काव्य संवेदना के स्तर पर है, वहीं साहित्य के शिल्प पक्ष की दृष्टि से भी। हिंदी साहित्य के विकास की अविच्छिन्न परंपरा को जैन साहित्य के अभाव में नहीं समझा जा सकता है। अब हम जैन साहित्य की काव्य संवेदना के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अपभ्रंश भाषा में जैन साहित्य से पहले प्राकृत में जैन साहित्य की बहुत ही सुदृढ़ परंपरा मिलती है। काव्य रूपों और साहित्य शैली का पूर्ण विकास जैनियों की इस साहित्य परंपरा में हो चुका था। अपभ्रंश जैन साहित्य भी इस विकास परंपरा में दो रूपों में मिलता है, प्रबंध साहित्य और मुक्तक साहित्य। इस आधार पर इनकी काव्य संवेदना और रचना का मूल उद्देश्य भी अलग अलग हो जाता है। जैन साहित्य की काव्य संवेदना को इन दोनों स्तरों पर समझने के लिए इनका विश्लेषण प्रबंध और मुक्तक दोनों आधारों पर करना अनिवार्य हो जाता है। प्रबंध काव्य के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो जैन साहित्य की अनेक कृतियों में आदि से अंत तक एक ही कथा का प्रवाह मिलता है। इन रचनाओं में प्रबंध की लगभग सभी काव्यशास्त्री परंपराओं का न्यूनाधिक पालन किया गया है। सर्गबद्धता, संधि प्रयोग, वर्णनात्मकता इन रचनाओं की विशेषताएं हैं। कथानक के स्तर पर भी प्राचीन परंपरा का निर्वाह अपभ्रंश के जैन रचनाकारों ने किया है। अब मैं जैन साहित्य की प्रतिनिधि प्रबंधात्मक रचनाओं की चर्चा करूंगा। जैन साहित्य में पुराणों और चरित काव्यों की महत्वपूर्ण परंपरा दिखाई देती है। जैन धर्म के पुराण और चरित काव्य संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं में मिलते हैं। ये पुराण और चरित काव्य तीर्थंकरों जैसे ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर एवं लोक प्रसिद्ध व्यक्तियों को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं, जैसे नाग कुमार चरित, यशोधरा चरित, करकंडु चरित आदि। राम कथा और कृष्ण कथा को भी जैन साहित्य में पर्याप्त महत्व दिया गया है। अपभ्रंश की पहली प्रबंध रचना जैन कवि स्वयंभू की है। यह रचना राम कथा पर आधारित है। अब तक स्वयंभू की तीन रचनाएं उपलब्ध हुई हैं, पौमचर्यु, रिट्ठणेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। जैन साहित्य में राम कथा की अविच्छिन्न परंपरा मिलती है। प्राकृत में विमल सूरी का पौमचर्यु और संस्कृत में रवि सेणाचार्य पद्म पुराण इस परंपरा की प्रतिनिधि रचनाएं। स्वयंभू द्वारा रचित पौमचर्यु 5 खंडों में विभाजित है, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड।
गुरु और आचार्यों की वंदना से राम कथा की शुरुआत की गई है। इयो 24 विपरम जिण पण वेणु भावे पूर्ण आरंभी राम का रामायण कावे। मूल कथा का प्रारंभ मगध देश के राजा श्रेणिक की भ्रांतियों से हुआ है। ये भ्रांतियां राम कथा के संबंध में लोक की भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों का निवारण करने हेतु गौतम गणधर राम कथा प्रारंभ करते हैं। काव्य का आरंभ प्राचीन परंपरा के अनुसार आत्मनिवेदन के साथ होता है, लेकिन रचनाकार का भरपूर आत्मविश्वास भी इस आत्मनिवेदन में छिपा हुआ है। स्वयंभू ने निवेदन किया है, मेरे समान कुकवि कोई दूसरा न होगा, न तो मैं कुछ व्याकरण जानता हूँ और न वृत्ति सूत्र का व्याख्यान ही कर सकता हूँ, न मैंने पांचों महाकाव्यों को सुना है और न पिंगल प्रस्तार आदि छंद लक्षण ही जानता हूँ। भामह दंडी के अलंकार शास्त्र से भी मैं परिचित नहीं हूँ, फिर भी मैं काव्य रचना का व्यवसाय छोड़ने में असमर्थ हूँ। राम कथा लिखने का मूल उद्देश्य उसे सामान्य जन तक पहुँचाने का है, इसीलिए भाषा भी सामान्य जन की ही चुनी गई है। राम का चित्रण स्वयंभू ने मानवीय चरित्र के रूप में किया है, उसमें किसी आदर्श या अलौकिकता का समावेश नहीं किया गया है। रामचरित्र के गुण दोषों के प्रति रचनाकार की समान दृष्टि रही है। एक ओर दैवी आपदा के समक्ष राम के पौरुष का ओजस्वी चित्रण है, तो दूसरी ओर सीता हरण और मूर्छित लक्ष्मण के प्रसंग में सामान्य मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत मनुष्य के करुण क्रंदन तथा मानव सुलभ कमजोरियों का भी उतना ही व्यावहारिक वर्णन स्वयंभू ने किया है। सीता की अग्नि परीक्षा के संदर्भ में इसे देखा जा सकता है। महिलौ होति अशुद्ध निलज्जौ दस दावीय कडक विखेवौ कुडिल मयु वड्डीय अवलेवौ बाहिर धिठौ गुण परिहीणौ किह सय खडुन जन्तिति हीणौ णौ गणंतिणीय कुल मैलंतौ तिहुवणे अयस सडहु भज्जन्तौ अंगु समो देवी धिड्डिकार हो वयन नियंति केम भत्तार हो। राम के चरित्र के ऐसे चित्रण के बाद रचनाकार कर्म फल के सिद्धांत के ऊपर इस समस्त सामाजिक यथार्थ को न्योछावर कर देता है। इसी कर्म फल दर्शन के साथ जैन जीवन दर्शन का स्वीकार सीता के द्वारा किया जाता है। मानव मन के विविध भावों और विकारों का वास्तविक वर्णन इस रचना में किया गया है। मानसिक संवेदनाओं को रचनाकार ने बहुत ही मार्मिक और स्वाभाविक रूप में उभारा है। सामान्य मनुष्य को केंद्र में रखकर जिस उद्देश्य से रामकथा की सृष्टि स्वयंभू द्वारा की गई है, उसका भाषिक स्तर पर भी आद्यंत निर्वाह किया गया है। महापुराण जैन संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण रचना है। पुष्प दंत की इस कृति का पूरा नाम त्रिसठी महापुरुष गुणालंकार है। इसमें दो खंड हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। उत्तर पुराण की 11 संधियों में राम कथा का वर्णन किया गया है। पुष्प दंत ने राम कथा की परंपरा में स्वयंभू का उल्लेख किया है। इस राम कथा में ब्राह्मण धर्म समर्थित राम कथा के विरोध का भाव निहित है। पुष्प दंत ने कहा है कि वाल्मीकि और व्यास के शब्दों में प्रवंचना है, उन्होंने लोक में एक भ्रम फैला रखा है,
इसी भ्रम के निवारणार्थ गौतम राम की कथा कहते हैं। इस आधार पर राम कथा की एक अन्य परंपरा का भी बोध होता है जो ब्राह्मण परंपरा से अलग अस्तित्व रखती रही है। पुष्पदंत की राम कथा में ब्राह्मण विरोधी स्वर स्वयंभू की अपेक्षा अधिक तीव्र है। उत्तर पुराण की 12 संधियों में कृष्ण कथा का वर्णन है। कृष्ण कथा से संबंधित ग्रंथों को जैन परंपरा में हरिवंश पुराण कहा गया है। राम कथा की अपेक्षा कृष्ण कथा का वर्णन पुष्पदंत ने अधिक रुचि के साथ किया है। कृष्ण का बाल लीला का स्वरूप भी बहुत स्वाभाविक रूप में इस ग्रंथ में आया है। बाल सुलभ कोमल प्रसंगों के साथ कृष्ण की पौरुषपूर्ण लीलाओं का भी चित्रण पुष्पदंत ने किया है। इसके बावजूद इन लीलाओं में भक्ति भावना और अलौकिकता का अभाव है। महापुराण की भाषा आदर्श साहित्यिक अपभ्रंश का उदाहरण है। कहीं कहीं देशज और ध्वनिमूलक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। प्रद्युम्न चरित कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न को आधार बनाकर लिखा गया है। इसके रचनाकार कवि संधारु हैं। धार्मिक प्रचार के उद्देश्य से लिखे गए इस ग्रंथ में विभिन्न वर्णनों, अवांतर कथाओं और घटनाओं से पूरे कथानक को आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। यही इसका साहित्यिक महत्व भी है। धार्मिक आचार विचार के साथ ही तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों और उनमें जन सामान्य को भी चित्रित करने के कारण यह रचना धार्मिकता का अतिक्रमण कर साहित्य की सीमा में आ जाती है। कई संवेदनात्मक स्थल कथानक के विकास से जुड़े हुए हैं जिनका कवि ने सरस वर्णन किया है। धार्मिक रचनाओं में सामान्यतया वर्णित कष्ट, दुष्चक्र और विरक्ति के अतिरिक्त व्यंग्य और विनोद का भी सफल प्रयोग कवि ने किया है। नायक कुमार चरित यह महाकवि पुष्पदंत की ही रचना है। इस कृति में श्रुत पंचमी की महिमा बताते हुए मगध के राजा जयंधर के पुत्र की कथा का वर्णन किया गया है। यह धार्मिक वातावरण से युक्त प्रेम कथा है। कृति की मूल आत्मा प्रेम से आप्लावित है, लेकिन उस पर धर्म का आवरण डाला गया है। इसमें नाग कुमार के कई विवाहों, प्रेम क्रीड़ाओं, सपत्नी ईर्ष्या आदि का वर्णन है। अंत में नाग कुमार तपस्वी होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जसहर चरिव 4 संधियों की एक छोटी सी रचना है। इस कृति में हिंसा का विरोध करते हुए जसहर की कथा कही गई है। इस कृति में काव्यात्मकता का लगभग अभाव है। इसका मूल उद्देश्य हिंसा पर आधारित धर्मों की निंदा करते हुए जैन धर्म के अहिंसा व्रत के महत्व को स्थापित करना है। स्त्री की कठोर प्रकृति का चित्रण पुष्पदंत ने इसमें किया है। करकंड चरिव एक अन्य महत्वपूर्ण रचना है। करकंड जैन धर्म के दोनों संप्रदायों में समान रूप से लोकप्रिय है। इन्हीं को केंद्र में रखकर कनकामर मुनि ने करकंड चरिव की रचना की है। यह ग्रंथ पद्धडिया शैली में लिखा गया है। करकंड चंपा के राजकुमार थे, लेकिन पिता को अपने पुत्र की पहचान नहीं रहती है। करकंड दंतिपुर का राजा बन जाता है और पिता पुत्र में युद्ध होता है। अंत में भारतीय लोक कथाओं की संरचना के अनुरूप पिता पुत्र का मिलन होता है। करकंड के प्रेम
और विवाह का भी वर्णन इस रचना में है। इस मुख्य कथा के अतिरिक्त 9 अवांतर कथाओं का भी विस्तार इस रचना में मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण चरित्र काव्य जैसे धवल का रिद्धणेमिचरिव, वीर कवि का जम्बू स्वामी चरित, नय नंद का सुदह्यण चरिव तथा लाखू का जीर्णदत्त चरिव आदि हैं। जैन धर्म से संबंधित कथा काव्य साहित्य विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये कवि की अपनी कल्पना और लोक प्रचलित कथाओं के संयोजन से निर्मित हुए हैं। साहित्य की यह संरचना हिंदी के सूफी साहित्य की पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। प्रमुख कथा काव्य हैं भविष्यत कथा, अंजना सुंदरी कहा, कुवलय माता कहा, विलासवती कहा तथा जिन रचित कहा आदि। सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चर्चित कथा काव्य है धनपाल द्वारा रचित भविष्यदत्त कहा। इसका दूसरा नाम सूर्य पंचमी कहा है, जो सूर्य पंचमी के महत्व को स्थापित करने हेतु लिखा गया है। यह जैन साहित्य का सर्वप्रथम संपादित होने वाला ग्रंथ है। डॉक्टर हरमन याकोबी को यह रचना सबसे पहले 1913-1914 ईस्वी में अहमदाबाद के एक जैन भंडार में देखने को मिली। डॉक्टर गुणे और श्री दलाल ने इसका संपादन किया। यह 1923 ईस्वी में गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज में प्रकाशित हुई। भविष्यदत्त राजपुर के नगर सेठ का पुत्र है, जिसे सौतेली माँ और भाइयों के विश्वासघात के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी माँ और स्वयं के सदाचार के चलते सारी कठिनाइयाँ सुखद जीवन के साधन में परिवर्तित हो जाती हैं। कृति की पूरी संरचना लोक कथाओं के अनुरूप है। परंपरा के अनुसार धर्म और न्याय के पक्ष का उत्तरोत्तर विकास इस ग्रंथ में दिखाया गया है। अनेक काव्य पूर्ण स्थल इस रचना में जगह जगह मिलते हैं। नगर और श्रृंगार आदि के वर्णन में चरित काव्यों की अपेक्षा इस रचना का काव्य तत्व ज्यादा प्रभावी है। इसकी भाषा तो साहित्यिक अपभ्रंश है, लेकिन देसी शब्दों और लोकोक्तियों का प्रयोग कथा भाषा का निर्माण करता है। पुष्पदंत और स्वयंभू की अलंकृत शैली का अभाव इसमें दिखाई देता है, लेकिन यह अभाव ही इसे अधिक स्वाभाविक रूप प्रदान करता है। रासो या रास अपने समय का सबसे प्रचलित काव्य रूप था। इस काव्य रूप का आरंभिक संबंध लोक गेय नृत्य से है। इसे लोक गेय रूपक भी कहा गया है। इसकी लोक प्रसिद्धि के कारण ही धर्म से लेकर दरबारी साहित्य की सर्वाधिक रचनाएं इस काव्य रूप में हुई हैं। जैन संप्रदाय में भी इसके लोक प्रचलित रूप के कारण रासों को पर्याप्त महत्व मिला। जैन धर्म में धार्मिक रास के साथ ही शुद्ध वीरता परक रास काव्य लिखे गए। शालिभद्र सूरी का भरतेश्वर बाहुबली रास विशुद्ध वीर परक रास का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें ऋषभ देव के दो पुत्रों भरतेश्वर और बाहुबली के बीच राज्य के लिए होने वाले युद्ध की कथा है। जिन दत्त सूरी के उपदेश रसायन रास और शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास में विशुद्ध जैन धर्मोपदेश हैं।
इसी प्रकार आसगु के जीव दया रास में जीवों के प्रति दया धर्म की शिक्षा दी गई है। आसगु की ही एक अन्य रचना चंदन बाला रास है। यह जैन श्राविकाओं की देवी चंदन बाला के जीवन पर आधारित कथाकृति है। इसमें चंदन बाला के माध्यम से स्त्रियों को सतीत्व, संयम और आचरण की पवित्रता की शिक्षा दी गई है। इसके अतिरिक्त धर्मसूरी का जम्बू स्वामी रास, विजयसेन सूरी का रेवंत गिरी रास, अम्बदेव सूरी का समरा रास और अज्ञात कवि का कच्छुली रास इस परंपरा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रास के ही समान फागु का संबंध भी लोक प्रचलित काव्य से है। वसंत में गाए जाने वाले गीतों में फागु काव्य रूप का उत्स माना गया है। इसे गेय रूपक भी कहा जाता है, जिसकी परंपरा आज भी वर्तमान है। जैन साहित्य में अज्ञात कवि की जिन चंद सूरी फागु इस काव्य रूप की पहली रचना है। इसकी मूल प्रति जैसलमेर ग्रंथ भंडार की एक हस्तलिखित पोथी में मिली थी। यह 25 छंदों की छोटी सी रचना है, जिन चंद सूरी के शील और संयम का सांसारिकता पर विजय ही इस रचना का मूल उद्देश्य है। जिन पद्म सूरी की सिरी थूली मद्द फागु इस परंपरा की अन्य महत्वपूर्ण रचना है। इस 27 छंदों की भावात्मक दृष्टि से अत्यंत सरल रचना को हम कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण पाते हैं। इसमें मुनि स्थूली भद्र की चारित्रिक उदात्तता का वर्णन है, जिन्होंने रूपवती कोसा वेश्या के सभी आग्रहों को ठुकरा कर अपने त्याग और तप के बल का परिचय दिया था। इस फागु में स्त्री और प्रकृति का बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया है। कविता का नाद सौंदर्य भी इस फागु की महत्वपूर्ण विशेषता है। राजशेखर सूरी की नेमिनाथ फागु भी 27 छंदों की एक अन्य रचना है। इसमें नेमिनाथ और राजमती की कथा कही गई है। काव्य सौंदर्य के दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण रचना है। जहां एक ओर नेमिनाथ की चारित्रिक दृढ़ता और निष्ठा का वर्णन है, वहीं इसमें दूसरी ओर राजुल देवी के रूप सौंदर्य और उसके विरह का भी मार्मिक चित्रण मिलता है। दोनों विपरीत भावों को रचनाकार ने उत्कृष्टता प्रदान की है। इन रचनाओं के अतिरिक्त जम्बू स्वामी फागु और रावणी पार्श्वनाथ फागु इस धारा में मिलने वाली अन्य जैन रचनाएं हैं। संभवतः चौपाई छंद की प्रधानता के कारण ही जैन साहित्य में चौपाई काव्य भी मिलते हैं। यह काव्य रूप आकार में संक्षिप्त लेकिन स्वभाव से वर्णनात्मक होता है। जैन साहित्य परंपरा में कुछ महत्वपूर्ण चौपाई काव्य मिलते हैं। रल्ह कवि की जिनदत्त चौपाई की रचना का आधार अपभ्रंश कवि लाखू या लखन द्वारा लिखा गया जिनदत्त चरित है। रल्ह ने अपनी रचना में इसका उल्लेख भी किया है। यह 11 संधियों का एक कथा काव्य है, जिसमें धर्म के आवरण में प्रेम का वर्णन किया गया है। इस रचना में जिनदत्त की कई पौरुषपूर्ण कथाओं, विवाहों और जैन धर्म की दीक्षा तथा तपस्या का वर्णन है। रचना का मूल उद्देश्य जैन धर्म का प्रचार प्रसार ही है,
लेकिन कथा के ताने बाने में तत्कालीन समाज और सामाजिक जीवन की विविध झांकियां जगह जगह दिखाई पड़ती हैं। विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई इस काव्य रूप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना का केंद्रीय तत्व राजमती या राजुल देवी का विरह वर्णन है। यह विरह वर्णन बारह मासा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब तक उपलब्ध साहित्यिक कृतियों में बारह मासा का सबसे पहला प्रयोग इसी रचना में किया गया है। इसलिए इस रचना का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बारह मासा आगे की साहित्यिक परंपरा में बहुत दृढ़ता के साथ उभर कर सामने आया है। विरह प्रधान रचना होने के कारण पूरा वर्णन मर्म को स्पर्श करने वाला है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रेष्ठ कवि और कृति का महत्वपूर्ण आधार माना है। इस लिहाज से भी नेमिनाथ चौपाई विशेष स्थान रखता है। जैन संप्रदाय से जुड़ी रचना होने पर भी इसमें मानवीय भावों का अत्यंत सरस वर्णन किया गया है। अंतिम कुछ छंदों को छोड़कर कहीं भी किसी धार्मिक उपदेश या क्रियाकलाप का कोई चित्रण नहीं मिलता है। श्रृंगार रस की इस रचना का अंत भी अन्य जैन रचनाओं के समान शांत रस में हुआ है। इन रचनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य चौपाई काव्य भी जैन धर्म में लिखे गए हैं, जैसे सुभद्रा सती चौपाई, मंगल कलश चौपाई, सम्यकत्व माई चौपाई, पद्मावती चौपाई आदि। जैन मुक्तक साहित्य के संबंध में जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि उन मुक्तकों में रहस्यवादी और उपदेशात्मक दो धाराएं साथ साथ मिलती हैं। इनका संक्षेप में विवरण हम आगे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। रहस्यवादी धारा पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि यह मुक्तक जैन साहित्य की अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा की रचनाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, लेकिन जो भी मिली हैं वे खास सामाजिक सांस्कृतिक हलचलों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। योगींद्र, राम सिंह, सुप्रभाचार्य, महानंदी, महचंद आदि इस धारा के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। योगींद्र को जोइंदु भी कहा जाता है। इनकी दो रचनाएं मिलती हैं, परम आत्म प्रकाश और योगसार। मुनि राम सिंह की एक रचना पाहुड़ दोहा उपलब्ध है। पाहुड़ का अर्थ जैन संप्रदाय में धार्मिक सिद्धांत संग्रह के रूप में किया जाता है। सुप्रभाचार्य की 77 छंदों की एक छोटी सी रचना वैराग्यसार मिलती है। महानंदी के नाम से एक रचना आनंदा मिलती है। इसे लेकर मतभेद है कि यह उनकी मौलिक कृति है या उनके द्वारा संग्रहित। मुनि महचंद की एक रचना आमेर भंडार से मिली है। यह ककार आदि क्रम में लिखी गई रचना है। लगभग सभी जैन मुनियों की रचनाओं में एक साम्य हमें दिखाई पड़ता है। यह साम्य उनकी आंतरिक चेतना का है। इनका संबंध तो जैन संप्रदाय से है ही, लेकिन इनका साधना पंथ दूसरे रहस्यवादी साधकों के ही समान उदार और व्यापक है। बाह्य नियम आचारों, कर्मकांडों, व्रत तीर्थाटन आदि का बहिष्कार इस धारा की खास विशेषता है। ये मुक्तक रचनाएं प्रबंध रचनाओं की अपेक्षा सांप्रदायिक विधि निषेधों से मुक्त हैं। जैन धर्म से जुड़े होने के बावजूद इन कवियों की रचनाएं सामान्य मनुष्यता को संबोधित हैं, न कि किसी धर्म या संप्रदाय को स्थापित करने वाले
सारे भेदापभेद का निषेध इन कविताओं का मुख्य स्वर है। योगिंद्र या जोइंदु ने जीवों में भेद दृष्टि रखने वाले व्यक्तियों को मूढ़ कहा है। ये रचनाकार आत्मा और परमात्मा में भी कोई भेद नहीं मानते हैं। समस्त बाह्य आडंबरों के खिलाफ लोक में सामान्य मनुष्य की स्थापना और सरल जीवन शैली ही इन जैन मुनियों का मूल उद्देश्य है। समस्त जीवन कर्म एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन है और वह उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप में वास्तविक मनुष्य की पहचान। जोइंदु के शब्दों में देउल देव वि सत्थु गुरुवे तित्तु वि वेव विकब बच्छु जो दिश है कुसुमियो ईंधन होसई सब। प्राकृत की परंपरा के अनुसार ही अपभ्रंश में कुछ ऐसी मुक्तक रचनाएं मिलती हैं जिनमें जैन संप्रदाय से संबंधित व्रत तीर्थ आचार विचार और नीति विषयक उपदेशों का वर्णन किया गया है। इन रचनाओं का मूल उद्देश्य गृहस्थों और श्रावकों को पाप पुण्य धर्म अहिंसा लोभ त्याग और इंद्रिय निग्रह की शिक्षा देना था। देवसेन की सावयंधम दोहा इस परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसका संपादन प्रोफेसर हीरालाल जैन ने किया है। जिनदत्त सूरी की चरचरी उपदेश रसायन रास और काल स्वरूप कुलक भी इसी तरह की रचनाएं हैं। जयदेव मुनि की भावना संधि प्रकरण भी इसी धारा की एक रचना है। विजय चंद्र मुनि की रचनाएं कल्याण रासु और चुनड़ी भी इसी उद्देश्य की रचनाएं हैं। आज के पाठ के निष्कर्ष के रूप में हम कुछ बिंदुओं की चर्चा करना चाहेंगे। अपभ्रंश साहित्य में जैन रचनाकारों का महत्वपूर्ण स्थान है। 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक अनेक महत्वपूर्ण जैन काव्य कृतियों की रचना हुई है। जैन कवियों का अधिकतर साहित्य जैन धर्म के आदर्शों पर आधारित है। इन कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों तरह के काव्य लिखे हैं। प्रबंध काव्य की परंपरा जैन कवियों से ही शुरू होती है। इन कवियों ने राम और कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर अनेक प्रबंध काव्य लिखे, पर उनके राम और कृष्ण जैन सिद्धांतों के अनुरूप हैं। और मुक्तक काव्यों की रचना जैन साहित्य में कम हुई है, पर उनमें लोक प्रचलित मान्यताओं का सुंदर समावेश दिखाई पड़ता है।